हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं नेक्सस सुपर हीरो गेम। तो गाइस, इस गेम में आज हम लोग इस गेम के मिशंस करने वाले हैं, जिसको करने के बाद हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं अपने लिए एक सुपर तगड़ी प्राइवेट सुपर कार खरीदने वाला हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की कार चलाकर बोर हो चुका हूँ। इसलिए मैं आज नहीं, मतलब पैसे मिलने के बाद अपनी सुपर कार खरीदूँगा और उस पैसों से कुछ वेपन्स भी खरीद लूँगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में तबाही मचानी है, मतलब गेम की दुनिया में तबाही मचानी है। तो चलिए गाइस, हम अपने मिशंस पे चलते हैं। तो ये है हमारी चुराई हुई कार आज की। तो चलिए गाइस, हमारा पहला मिशंस है वो हमारे घर के पास है, तो वही हमारा आज का पहला मिशंस है। तो चलिए गाइस, मैं अपनी गाड़ी को अपनी घर की तरफ फुल स्पीड में भगाता हूँ। तो इस गेम में मिशन के अलावा हमें कुछ टास्क भी मिलते हैं, जैसे जिसको पूरा करने पे भी हमें कुछ पैसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने घर की तरफ आ ही चुके हैं। तो यहाँ से राइट हम लेंगे और एक और राइट। तो बस गाइस, ये हमारा घर आ गया और यहीं पे है हमारा पहला मिशन। तो गाइस चलिए, मैं इस मिशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये है हमारा पहला मिशन। इस मिशन में हमें किसी डीलर पे रेड करने जाना है। तो चलिए गाइस, मैं इस मिशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, जिस डीलर पे हमें रेड करने जाना है, वो एक ड्रग डीलर है और वो कार्गो को अपने ड्रग से भरा ट्रक क्या कुछ भी उसकी गाड़ी आ रही है और वो वहाँ पे उसे रिसीव करने गया है, तो उसी को हमें रोकना है। तो इस मिशन पे हमारे साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है, जिसकी गाड़ी से हमें उस डीलर को रोकने जाना है। तो ये है हमारा ऑफिसर और ये है इसकी गाड़ी। तो चलेगा इस, मैं इसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और चलते हैं उस डीलर को रोकने। तो गाइस, मैं एक बार रास्ता देख लेता हूँ कि कहाँ से हमें जाना है। तो ये हमें रास्ता दिया हुआ है, तो हमें उस पॉइंट पे जाना है। तो मैं वहाँ टिक लगा देता हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं उस डीलर को रोकने के लिए। तो गाइस, मैं अपने साथ कुछ तगड़े वेपन्स भी ले जा रहा हूँ, अगर वो डीलर माना तो ठीक, वरना उसे वहीं पे ठोक देंगे। तो गाइस, अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से फुल स्पीड में आता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा गलत आ गया, मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना था। कोई बात नहीं गाइस, अब मैं यहाँ से अपने गाड़ी को स्पीड में भगाता हूँ। तो ये मैंने भगाया और आगे जाके हमें एक दोबारा से राइट टर्न लेना है, बस यहीं से। तो चलिए गाइस, अब हमें सीधे ही जाना है उस डीलर के पास। तो यहाँ से फुल ड्रिफ्ट विफ्ट मारते हुए हम वहाँ पर जाएंगे। ये हमारा पहला ड्रिफ्ट, कट पे ड्रिफ्ट मारने में मज़ा ही आता है कुछ। तो गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमें एक और चेक पॉइंट पे जाना है, तो ये अंदर ही है, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ये रहा हमारा चेक पॉइंट। तो लीव द कार एट द पॉइंट, ओके, रीच द नेक्स्ट पॉइंट, बी केयरफुल, दे कुड बी आर्म्ड। कोई बात नहीं यार, हमारे पास भी तगड़े वेपन है। तो गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट। तो ये आ गए, तो हमें इन्हें मारना है। तो ये मारा मैंने पहले को, ये पहला गया, ये दूसरा भी गया, अरे ये रीलोडिंग पे लग जाता है, दूसरा भी गया, ये तीसरा भाग का रहा है, रुक, ये तीसरा भी गया, अब ये चौथा, चौथा का हेडशॉट, फिर से ये रीलोडिंग बार बार लग जाता है, अब छठा भी गया। तो गाइस, मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। ये कुछ सामान गिरा हुआ, इसे उठा लेता हूँ, अब चलते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। तो ये इसी के पीछे है हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट। तो ये रहा, ये मैंने किया चेक, तो ये लगता है यही डीलर है।
इसे मारता हूँ मैं, इसे हाथ से मारूंगा। आजा आजा, बोटे मार रहा है और ये इसका आदमी भी पीछे से मार रहा है। इसे तो मैं शॉट गन से मारूंगा आज। रुक जा भाई, रुक जा टकले, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रिलोड तो होने दे, रुक जा। चल गया। तो गाइस इसने हमें एक लैपटॉप दिया है, तो उस लैपटॉप को हमें इस आदमी के पास ले जाना है। तो चलिए गाइस, मैं इसके लैपटॉप को इस आदमी के पास पहुंचा देता हूं। तो हम अपनी गाड़ी से वहां पे जाने वाले हैं, तो हमारी गाड़ी जा रही, तो चलते हैं गाइस अपनी गाड़ी में बैठकर उस आदमी के पास। तो ये हम बैठे अपनी गाड़ी में और अब चलते हैं। इस लैपटॉप में गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन है जो उस आदमी को चाहिए, और वो इसी के लिए हमें पैसे भी दे रहा है। तो गाइस मैं इस लैपटॉप को उस आदमी के पास पहुंचाता हूं और उससे पैसे लेता हूं। तो गाइस इस गेम में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मुझे इंतज़ार है कि मैं अपना पर्सनल कार कब लूँगा और उसे इस रोड पे चलाऊंगा। तो गाइस चलिए हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो अरे इन्हीं लोग की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते रहता है बार बार। तो गाइस हम अब पहुँच ही चुके हैं अपने उस आदमी के पास। तो ये रहा वो आदमी। तो हम अपनी कार से उतरते हैं और इसे इसका लैपटॉप दे देते हैं और अपने पैसे लेते हैं। तो भाई ये ले अपना लैपटॉप और मुझे मेरे पैसे दे। थैंक यू, कोई बात नहीं है, मुझे मेरे पैसे दे पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने हमें 10,000 रुपये दे दिए हैं और हमारा 2,000 एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने दूसरे मिशन की तरफ, और वो मिशन यही है। तो इस मिशन में हमें होप एंड डेंजर, मतलब तो पहले अपने दूसरे मिशन को स्टार्ट करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि इस मिशन में हमें क्या करना है। तो ये मैंने स्टार्ट किया अपना मिशन। तो ट्रांसफॉर्मर डिसाइड टू डिस्ट्रॉय योर स्टैच्यू, माफिया इज असिस्टिंग देम विद दिस, हरी अप। तो गाइस इस मिशन में हमें कुछ ट्रांसफॉर्मर्स को अपने स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करने से रोकना है। ट्रांसफॉर्मर मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं और वो मुझे मारना ही चाहते हैं। तो इस बार उन्होंने प्लान किया है कि वो मेरे इस शहर में बने स्टैचू को डिस्ट्रॉय करेंगे, और उन्होंने कुछ अपने साथ माफिया भी रख लिए हैं जो उनके साथ हैं। तो मुझे उन्हीं सबको रोकना है अपने स्टैचू को तोड़ने से। तो गाइस इस शहर पे मेरा एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है जिन्हें ये ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस स्टैचू को इस शहर को लोगों ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए बनाया था, और ये लोग उसी स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो गाइस मैं जल्दी से अपने स्टैचू के पास जाता हूँ और उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाता हूँ। तो वो स्टैचू यहीं से थोड़ी दूर पे है, मैं वहाँ जल्दी पहुँचने वाला हूँ। ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा आज कैसे हो गया। तो यहाँ से मुझे राइट लेना है और यही सामने है मेरा स्टैचू, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा स्टैचू। तो मैं आपको बाहर निकल कर दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा आपको ऊपर उड़कर सामने से दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा स्टैचू जिसे इस शहर के लोगों ने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया था। वो अलग बात है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि इस स्टैचू के नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, नेक्सस सुपर हीरो 1840। अरे यार ये पुलिस वाले कहाँ से आ गए, अब ये परेशान करेंगे। पहले इन्हें मार ही लेता हूँ। ये पहला गया, दूसरा, अरे गोली भी ख़त्म हो गया, अब शॉट गन से मारना पड़ेगा इन लोगों को, बेकार है। अरे लग जा, ये गया, फिर से रिलोडिंग पे। चलो अब सब मर गए हैं। मैं चलता हूँ
अपने मिशन को स्टार्ट करने के लिए। मिशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे अगले चेक पॉइंट पर जाना पड़ेगा, तो यह चेक पॉइंट इसके पीछे है, तो चलते हैं वहाँ पे और अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे पास तगड़ा पेपर नहीं है, इस शॉर्ट गन से उसे मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो गया हमारा मिशन। वहाँ पे आ रहे हैं लोग, माफिया के लोग हैं। फिर मार, अरे मेरे पास एक वेपन आ गया है, इससे मारता हूँ मैं इन सबको। ये के दूसरा भी गया और तू भी जा, ये नीचे फंस गया था। ये वेपन तो बड़ी मस्त है। सब ख़त्म हो गया एक बार में, चलते आगे। एक और चेक पॉइंट है, वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। चलते हैं उड़ के। तो ये रहा हमारा दूसरा चेक पॉइंट, इसे मैंने चेक किया। अरे वो आ रहा है ट्रांसफार्मर, दौड़ कर मारता हूँ इसे जल्दी से। ये क्या हुआ था, तुरंत ही मर गया। कोई बात नहीं, तीसरे चेक पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन ये वेपन बहुत तगड़ा है, इसे तुरंत ही मार दिया ट्रांसफार्मर को। तो ये है हमारा तीसरा चेक पॉइंट, इसे भी चेक किया मैंने। यहाँ पे दो दो आ गए, ये भी गया ये भी गया। इसे तो मैं खरीदूँगा, अपने सुपर कार के बाद इसे ही खरीदूँगा मैं, इस वेपन को। बहुत ही तगड़ा वेपन है। तो एक और चेक पॉइंट है, हमें उसके पास भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है मेरा चेक पॉइंट, ये मैंने चेक किया। इट्स ए माफिया कार, फॉलो इट। लगता है कोई माफिया भाग रहा है, उसे हमें फॉलो करना है। तो वो रहा वो माफिया रेड कलर की कार में, उसे ही फॉलो करना है हमें। यार ये पुलिस वाले बीच में आ जाते हैं, चलो इसी कार लेके भागते हैं हम लोग। तो ये मैं बैठा इसके कार पे, और ये माफिया कहाँ गया, कहाँ गया गया का माफिया। तेरे यार पुलिस वाले, तुम लोगों ने वो भाग रहे क्या, वही है। अरे नहीं, वो तो रेड कलर की कार में था ना। ये भी कार टूट गया, चलते बाहर जल्दी से देखते हैं वहाँ पे कहाँ गया है वो माफिया, पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इधर भी नहीं है। अरे यार ये पुलिस वालों के चक्कर पे वो माफिया भाग गया, मुझे लगा ये था कि ये पुलिस वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। वो भगा दिए माफिया को, ये बीच में नहीं आता है ना तो वो माफिया पकड़ा जाता। तो अब कहाँ ढूँढे उसे, मैप में थोड़ा देखते हैं, वहाँ पे शायद पता चले। ये मैप कहाँ पे, इसमें भी नहीं दिख रहा यार। लगता है वो माफिया बहुत दूर चला गया। ये पुलिस वाले भी ना बेकार में ही पंगा लेते हैं, किसी दिन पुलिस वालों को फुर्सत में कूटेंगे। कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।